इरादे बांधता हूँ, तोड़ देता हूँ ये सोचकर, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? मेरे साथ तो होता है, और ऐसा हम सबके साथ होता है। और जानते हैं आप ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि हम खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये सोचते हैं कि हमारे किसी कदम से या हमारे किसी अमल से हमारे इर्द गिर्द के जो अफराद हैं वो क्या सोचेंगे, कैसे देखेंगे इस अमल को, क्या कहेंगे इस बारे में। और इस तरह से एक लंबी फहरिस्त है जो हम यही सोचते हुए गुजार देते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, और आगे नहीं बढ़ पाते, तरक्की नहीं कर पाते, कोई नया कदम नहीं उठा पाते, क्योंकि हम यही सोचते रहते हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात बताऊं आपको, लोग कुछ नहीं कहते, लोग सिर्फ एक सूरत में आपको कुछ कहते हैं, जब आप कामयाब नहीं होते, जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता, तब लोगों की ज़बान पर बहुत कुछ होता है। और जब आप कामयाब होते हैं, सक्सेसफुल होकर दुनिया को दिखाते हैं, तो दुनिया आप में वो खूबी भी बयान करती है जो आप में नहीं होती। इसलिए लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें, लोग कुछ नहीं कहते, लोग कुछ नहीं सोचेंगे, और अगर सोचेंगे भी तो वो सब महज टेम्प्ररी होगा, जो कि भूल जाएंगे लोग जब आप तरक्की करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये उसी सूरत में होगा जब आप ये सोचना छोड़ेंगे कि लोग क्या कहेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए इन तमाम सोचों को पीछे छोड़ना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा लोगों के बारे में सोचना छोड़ें और अपने बारे में सोचें। लोगों की नज़र से दुनिया को देखना छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है जो उसकी नज़र है वो उसका नज़रिया है, और जो आपकी नज़र है वो आपका नज़रिया है। अपनी ज़िंदगी को किसी जगह पहुंचाने के लिए लोगों की तरह सोचना छोड़ें, अपनी तरह सोचें, तभी कुछ कर पाएंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे, तभी अपनी ज़िंदगी को किसी मकाम पे पहुंचा पाएंगे, और तभी तरक्की कर पाएंगे।